हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज शुरू करते हैं इंडिकेटर्स। बच्चों, इंडिकेटर एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जानते हैं इंडिकेटर। These substances indicate the acidic or basic nature of given solution by change in smell or color. बच्चों, इंडिकेटर जो होते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन की पहचान करने के लिए यूज होते हैं, और जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में इंडिकेटर का एक ड्रॉप डाला जाता है, इंडिकेटर को डिप किया जाता है, तो तुरंत उसका कलर चेंज हो जाता है या उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो इनकी हेल्प से हम जान सकते हैं गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। बच्चों, इंडिकेटर के चार टाइप होते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, नाम से ही चल रहा है पता, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। एग्जांपल राइट, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, रेड कैबेज जूस, अनियन पेस्ट एटसेट्रा। करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स का, तो बच्चों ये जो होते हैं मैनमेड होते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल सर लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ कॉमन एग्जाम्पल वो ले रहे हैं जो लेबोरेटरी में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। फिनोक्लीन, मिथाइल ऑरेंज, इरियोप्रोम ब्लैक टी, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। बच्चों, दे चेंज देयर स्मेल ऑन चेंजिंग पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। बच्चों, कुछ सर्टेन नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि अनियन है, वेनिला है, क्लोव ऑयल है, अगर आपने सॉल्यूशन का नेचर चेंज कर दिया, एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया, बेसिक सॉल्यूशन ले लिया, तो इनकी स्मेल चेंज हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। सर, ऑल्फैक्ट्री बायोलॉजिकल टर्म है जो स्मेल से कनेक्टेड है, यानी कि स्मेल में चेंज होता है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। बच्चों, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स। बच्चों, बहुत सारे इंडिकेटर को एक साथ मिक्स किया जाता है और वो मिक्सचर कहलाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। सर, क्या होता है इस मिक्सचर में? तो आइए जानते हैं। फिनोक्लीन, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, मोनोसोडियम सॉल्ट, थाइमोल ब्लू, प्रोपेनोल, वाटर एटसेट्रा। सर, बहुत सारे सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तब जाके मिलता है हमको यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बच्चों, बात करते हैं समरी की। जो हमने पढ़ा उसको समराइज करते हैं ताकि हमको हमेशा याद रहे, इसमें से क्वेश्चन भी बनता है, तो आइए जानते हैं। हमने चार कॉलम मेंटेन किए, पहले कॉलम में इंडिकेटर्स लिया हुआ है, दूसरे कॉलम में ओरिजिनल कलर जब उसका एक्चुअल कलर जो होता है, और अगले कॉलम में हमने लिया हुआ है कलर इन एसिडिक मीडियम, और लास्ट कॉलम में लिया हुआ है कलर इन बेसिक मीडियम। तो हम लोग जानते हैं इंडिकेटर जो होते हैं वो मीडियम चेंज होते ही क्या होता है, कलर और स्मेल चेंज जाते हैं, उसी को हमने यहाँ पे समरी में स्टडी करना है। पहले लिया हुआ है हमने रेड लिटमस, तो रेड लिटमस जो होता है उसका ओरिजिनल कलर रेड होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में कोई चेंज, कलर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे बेसिक मीडियम है कलर हो जाएगा ब्लू। अगर हमने लिया हुआ है ब्लू लिटमस, तो ओरिजिनल कलर उसका ब्लू होता है, एसिडिक मीडियम में रेड कलर देगा, बेसिक मीडियम में कोई कलर नहीं देगा। अब बात करते हैं टर्मरिक। टर्मरिक का जो ओरिजिनल कलर होता है वो येलो होता है, एसिडिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेसिक मीडियम में रेडिश ब्राउन हो जाएगा। अगर हमने लिया हुआ है रेड केबेज जूस, तो उसका ओरिजिनल कलर जो होगा वो पर्पल होगा, एसिडिक मीडियम में डाला हमने तो कलर होगा प्रोड्यूस रेडिश, और अगर हमने रेड केबेज जूस को डाला है बेसिक मीडियम में तो कलर आएगा ग्रीनिश येलो। अब बात करते हैं अनियन पेस्ट की। अगर अनियन पेस्ट आप जानते हैं उसमें जो जूस को निकालते हैं तो वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, और अगर उसके अंदर हम एसिड डालेंगे तो वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, उसकी स्मेल सेम रहेगी, लेकिन अगर आपने उसके अंदर बेस डाल दिया है अनियन जूस के अंदर, तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं वेनिला। वेनिला का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, पानी की जैसा दिखाई देता है, नो कलर इज देयर, कलरलेस। अगर वहां पर आपने उसके अंदर एसिड डाल दिया है तो कलर स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो उसका जो स्मेल होगा बेसिक मीडियम डालते ही, बेस डालते ही वो स्मेल चली जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, वेनिस हो जाएगी। अब बात करते हैं क्लोव ऑयल। तो आप जानते हैं लौंग के तेल में बड़ी खास खुशबू होती है, उसका कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, अगर आपने उसके अंदर एसिड डाल दिया थोड़ी सी अमाउंट एसिड की तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने बेसिक मीडियम में ऐड किया हुआ है तो क्लोव ऑयल की जो स्मेल है, जो एरोमा है, वो गायब हो जाएगी। अब बात करते हैं फिनोक्लीन इंडिकेटर की। तो ये कलरलेस होता है सर, अगर आपने इसको फिनोक्लीन को एसिडिक मीडियम में, एसिडिक सॉल्यूशन में डाला हुआ है तो कोई कलर में चेंज नहीं होगा, वो सच रहेगा, लेकिन अगर आपने इसकी ड्रॉप फिनोक्लीन की बेसिक मीडियम में या बेसिक सॉल्यूशन में ऐड की है तो कलर आएगा इंटेंस पिंक।
मिथाइल ऑरेंज किसका है? ओरिजिनल कलर जो है वो ऑरेंज होता है. अगर आपने मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया हुआ है एसिडिक सॉल्यूशन में तो कलर आएगा रेडिश. अगर आप मिथाइल ऑरेंज को ऐड करते हैं बेसिक सॉल्यूशन में तो कलर आएगा लाइट येलो. क्लियर है? आइए बच्चों लेते हैं डिफरेंट कलर्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. यहाँ पे हमने एक स्केल मेंटेन किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं स्केल में हमने यहाँ पर पीएच दिखाया हुआ है, पीएच 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14. ये यहाँ पर पीएच रेंज दिया हुआ है, पीएच स्केल बनाया हुआ है और यहाँ पर ये डिफरेंट कलर है. तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर लेते हैं और आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशन है जिनकी पीएच अलग अलग है तो डिफरेंट पीएच में यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर भी डिफरेंट ही आएगा. जैसे अगर बात करें पीएच आपके पास 1 है तो रेड रहेगा, अगर 1 से सर नीचे 0 है तो वहां पे कलर डार्क रेड हो जाएगा. सर अगर हमारा 1 से पीएच जो है बढ़ रहा है 3 की तरफ जा रहे हैं तो रेड कलर जो है वो हल्का हो रहा है, लाइट हो रहा है और ये 3 पर जाके पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा. सर 5 अगर हमारी पीएच तो येलो होगा और यहां पे पिंक येलो होगा यानी फेड पिंक होगा. अगर हम लोग बात करें 7 पीएच है तो वहां पे आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर जो है वो ग्रीन होगा. अगर आपकी 9 पीएच है तो वहां पे ब्लू होगा. अगर आपकी 11 है तो इंडिगो होगा और 13 है तो वायलेट होगा. बच्चों ये कलर आपको याद रखना है, ये स्केल आपको याद रखना है और इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका जो पीएच है सॉल्यूशन का वो क्या है. कलर की हेल्प से आप पहचान सकते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो आपके पीएच बताने में हेल्पफुल है. बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं ताकि हम लोग ऐसे बेहतर वीडियो आपके लिए लाते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.